नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। सूबे के मुखिया योगी जी और मुल्क के आलाकमान मोदी जी लाख बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना हकीकत में साकार करने की कोशिश क्यों ना कर लें, कठोर कानून बना लें, पर समाज में फैली अराजकता, गंदी मानसिकता और नारी को भोग की वस्तु समझने वाले दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, हर रोज कोई ना कोई बेटी दहेज की आग की भेंट चढ़कर अपने जीवन की आहुति देती रहेगी। अलीगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ढिबैया अख्तियारपुर में 25 वर्षीय विवाहिता आरती पुत्री जवाहरलाल निवासीपुर थाना शमशाबाद जनपद फर्रुखाबाद की शादी 10 माह पूर्व आलोक पुत्र मुन्नालाल निवासी ढिबैया अख्तियारपुर के साथ की गई थी। ससुराल में दहेज की मांग पूरी ना किए जाने पर उसकी जहर देकर हत्या कर दी गई। दहेज की बलि चढ़ी बेटी के परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस के आगे हाथ जोड़ते पिता ने न्याय की गुहार लगाई है। अगले जन्म मोहे बिटिया ही देना इस कथन पर गिड़गिड़ाते पिता ने दहेज लोभियों को कड़ी सजा की मांग करते हुए गुहार लगाई है। चिकित्सकों ने जहरीले पदार्थ के सेवन से मौत होने की आशंका जताई है। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में पोस्टमार्टम किए जाने की बात कही है। प्राइम न्यूज 24 के लिए विकास दुबे की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रमोद कुमार साहब। प्रमोद कुमार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज पर आप लोग हैं, यहाँ पर एक बेटी का शव पड़ा हुआ है, क्या पूरा मामला है ये? साहब, ये हमारे बड़े भाई की बेटी है जी। हमारे बड़े भाई की 5 बेटियाँ थी जी, उसमें साहब ये 4 नंबर की है। शादी मतलब ये उनका कोई लड़का है नहीं जी, तो ये शुरू से ही दबाव बना रहे हैं कि हमारे नाम के हिस्से जमीन नाम करवाओ और 4 पहिए गाड़ी मांगना। दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित शुरू कर रहे हैं ये, और साथ मतलब कि तमाम धमकियां देते रहते हैं। फिर आखिर माँ जिन्होंने हमारी बेटी साहब दहेज की बलि चढ़ गई। कितना समय हुआ आपकी जो भतीजी? फरवरी में शादी हुई थी। देखिए, आप कहीं ना कहीं आप मानते हैं सरकारें जो है बेटियों को लेके सजग हो रही, लगातार अभियान चला रही हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसके साथ मतलब कि हम ये है कि हमारी बेटी साहब दहेज की बलि चढ़ गई, तो मतलब ये उन्होंने नहीं सोचा ससुराल वालों ने। क्या HM सरकार से क्या मांग करते हैं? HM साहब, हम तो सरकार से ये मांग रहे हैं साहब, इनको कड़ी कड़ी सजा दी जाए, मतलब तभी हमें सबको बताया जा रहा है। आपकी बेटी के ससुर भोला छाप डॉक्टर भी है जी साहब। बेटी हाँ, के ससुर भोला छाप डॉक्टर हाँ, भी है। बेटी के ससुर जो बहुत भोला छाप डॉक्टर है, बहुत धमकी देता रहता था कि हम तो तुझे मार देंगे, ऐसी सुई लगा देंगे, तुम कुछ कोई जान भी नहीं पाएगी, तुम तेरा मतलब क्या लगता है आपको आपकी बेटी कैसे मौत हुई है? इसके साथ मारा गया, मतलब सुनियो तरीके मारा गया, मतलब तरीके मारा गया कैसे? फांसी लगाइए, क्या किया है कैसे? अब साहब ये तो हमें पता ही नहीं, हम तो अभी बाहर थे, अभी अभी आ रहे हैं साहब। प्रथम दृष्टि आपको क्या लगता है ये साहब मारा गया? उसे सोच समझ के सोची समझी साजिए, उस तरीके से मारा गया साहब हमारी बेटी। नाम क्या है? जवाहरलाल, मैं शमशाबाद थाने छछोना पट्टी का रहने वाला हूँ। मेरी लड़की की दादी आरती की दादी लगभग 10 माह 11 हो गए होंगे, यहाँ ढिबैया अख्तियारपुर PS अलीगंज में हुई थी, और उनके ससुर और लड़का और उसकी माँ, ये सब लोग इतना इतना दबाव रखते थे कि हमसे कभी भी बात नहीं करने देते थे, और इसके कहते थे कि हमारे केवल लड़कियाँ हैं, कि ये जो कुछ ये है वो हमारे लिए करवाओ अपना। जब भी आपकी बेटी की आज डेड बॉडी अलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे भर्ती यहाँ पे है अभी जी, क्या दिक्कत क्या थी और किस वजह से इसकी जो है यहाँ पे सब पड़ा है, हत्या है आत्महत्या, इसको क्या मानते हैं आप? ये हत्या की गई है। क्या वजह क्या थी? वजह क्या, इसको प्रताड़ित करते थे और ये कहते थे, ये झोला छाप डॉक्टर से कहते थे हम मैं ऐसा कर दूंगा, ये पहले मर्डर भी कर चुके हैं। इन्होंने कहा है कि हम मुंह काट के गांव में घूमते रहते हैं, हमसे कोई कहने वाला नहीं है। आपकी बेटी ने कभी जो है प्रताड़ना होने की शिकायत आप लोगों से की थी क्या? हाँ, ये अभी 3-4 दिन पहले हमारी बेटी की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि इसमें मोबाइल में पैसे नहीं किया हमारे में, तो कोई हमने कहा बिटिया ने कहा कि हम डलवा दें, कि नहीं नहीं ये हमको बहुत प्रताड़ित करेंगे, प्रताड़ित तो वैसे भी करते रहते हैं बहुत ज्यादा अंधाधुंध, और हम तो किसी बात करने नहीं देते हैं। कितने वर्ष पहले शादी हुई थी बेटी की? लगभग 10 माह हुए होंगे अभी। क्या मानते हैं आप, ये हत्या है या आत्महत्या? नहीं, ये हत्या की गई है। हत्या कह देते हैं ये हत्या। अभी अभी आप लोगों ने क्या पुलिस को जानकारी दी है पूरे मामले की? नहीं अभी नहीं, अभी देने की। तो ये जो सब है ये आप ही लोग ले गए हैं, सूचना आपको किस प्रकार से मिली थी? हमें गांव वालों ने सूचना दी जी। गांव में दूसरी रिश्तेदारियां थी, उन लोगों ने सूचना, इन्हें किसी ने सूचना भी हमको नहीं। साहब, एक महिला का मरने का मामला सामने आया है, क्या मामला है?
हाँ, कल जो है थाना अलीगंज के अंतर्गत में गांव ढोईया अख्तियारपुर में एक जो है दही हत्या का मुकदमा उनके द्वारा काम किया गया है। मुकदमा अपराध संख्या 5/20 धारा 498A 304B BP एक्ट बादी इसके जवाहरलाल और ये जो है छिछौरापुर के रहने वाले शमसाबाद डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद के हैं और बॉडी को पुलिस के कब्जे में लेकर के अग्रिम कार्रवाई जो है कार्य चल रहा है।